झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ट्रिप के ब्लॉक 2 में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम स्कीपा के नाम से जानते हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम कैंपस के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ हमारा हॉस्टल भी है, जिसे नालंदा और स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग पहुँचने के बाद किस हॉस्टल में रहे, रुके और कैसा हमारा जर्नी आगे का होता है। अभी हम लोग हॉस्टल के अंदर कैंपस में पहुंच चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से बस से उतरेंगे। उसके बाद हम लोग अब हॉस्टल के अंदर चेक इन करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि हॉस्टल कैसा है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो हमें ये मिला कि हॉस्टल के अंदर ग्रीनरी काफ़ी थी। यहाँ पे आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, लॉन टेनिस का कोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चारों ओर आम के पेड़ थे, अशोक ट्री था और बहुत सारी ग्रीनरी थी, तो कैंपस काफ़ी हरियाली युक्त था, जिससे हमको बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग सब यहाँ पे बस से उतर चुके हैं, डिबोर्ड कर रहे हैं और अपना अपना सामान लेकर के हॉस्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें बोला गया है कि यहाँ पे हमें स्वर्ण रेखा हॉस्टल के अंदर जाना है, तो हम लोग अभी स्वर्ण रेखा हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दो तीन और भी हॉस्टल्स हैं, सभी हॉस्टल्स के अलग अलग नाम हैं और हम लोग स्वर्ण रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे और एक नालंदा हॉस्टल भी है। यहाँ पे ये भैया आए, इन्होंने हमें अपना हेल्प ऑफर किया, इन्होंने हमारा बैग लिया और ये हमारा बैग ले करके गए हॉस्टल के अंदर। अब हम लोग भी हॉस्टल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हॉस्टल के अंदर का सीन क्या है। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा सामने एक हॉस्टल दिख रहा है और ये हॉस्टल का नाम है स्वर्ण रेखा। चलिए इसके अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमारे बाकी के फ्रेंड्स अभी क्या कर रहे हैं। अभी हम हॉस्टल के अंदर एंटर कर रहे हैं और हॉस्टल में एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। तो चलिए आपको रजिस्ट्रेशन रूम की तरफ लेकर चलते हैं और ये हमारा हॉस्टल है जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन होने का और यहाँ पे एक सर ऑलरेडी हमारे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बाकी सबका नंबर आएगा बारी बारी यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों को रूम अलॉटमेंट यहाँ पर होगा। हम लोगों ने पहले यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करी और रजिस्टर में एंट्री करने के बाद हम सभी को अपने डबल शेयरिंग में रूम्स जो हैं अलॉट हो गए। यहाँ पे हमारे साथ हमारे सीनियर भी दिख रहे हैं आपको और उसके अलावा यहाँ पे वो सभी साथीगण यहाँ पर हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आज रांची एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में आए हुए हैं। ये सभी काफ़ी थक गए हैं क्योंकि इन सभी ने बस जर्नी किया था, ओवरनाइट जर्नी थी हमारी और हम सब अभी 10:30 बजे रांची एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपने टर्न का वेट कर रहे हैं कि कब हमारा टर्न आएगा और हमें एंट्री करने के बाद हमारा रूम दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने एंट्री कर ली है। अब सभी को अपने अपने पर्टिकुलर रूम्स अलॉट किए जा चुके हैं और उसके बाद हम लोग अब अपने रूम का चेक इन भी करने वाले हैं। तो जैसे ही हम रूम चेक इन कर लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर भी कराऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सामान पूरा रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग हमारे रूम के अंदर जाने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा रूम जो हमें हॉस्टल में अलॉट हुआ है वो रूम कैसा है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे कैसी वहाँ पर व्यवस्था है। और वैसे बताया जा रहा है कि ये जो हॉस्टल है वो न्यूली रिनोवेटेड हॉस्टल है, तो देखते हैं कि कैसा हॉस्टल है। अब हम लोग हमारे रूम में एंटर कर चुके हैं और ये हैं आरती मैम, जो ऑलरेडी काफ़ी खुश दिख रही हैं रूम में एंटर करने के बाद। उनको रूम शायद पसंद आ गया है इसलिए, और उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे रूम में एंटर करने के बाद। तो दिस इज़ द रूम जो हम लोगों को स्टे करने के लिए अलॉट हुआ है। यह है रूम नंबर 107 जो कि स्वर्ण रेखा हॉस्टल के अंदर है। और आप लोगों को मैं रूम के अंदर का इंटीरियर दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है रूम। तो ये एक डबल शेयरिंग रूम है। यहाँ पे एसी आपको दिख रहा है, वार्डरोब दिख रहा है, यहाँ पे एक सोफ़ा भी दिख रहा है सामने। अब मैं आप लोगों को बाथरूम के अंदर का टूर कराती हूँ। काफ़ी मॉडर्न फिटिंग्स के साथ यहाँ पे बाथरूम आप लोगों को दिख रहा होगा, काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पर थी। ये जो आप लोगों को सामने मिरर दिख रहा है वो भी काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला मिरर था।
जिसमें लाइटिंग भी थी। वो पावर बटन जो आप लोगों को दिख रहा है सेंटर पे, वो प्रेस करने के बाद ये काफ़ी अच्छी लाइटिंग भी दे रही थी। सो दिस इज़ द बाथरूम एरिया जहाँ पे वी कैन टेक शावर। ये भी काफ़ी अच्छा मॉडर्न लग रहा है। अब हम लोग बाहर जा कर के देखते हैं कि रूम के अंदर क्या क्या है। तो रूम के अंदर आप देख सकते हैं वार्डरोब, एयर कंडीशनर, यहाँ पे दो डबल सिंगल सिंगल बेड्स हैं और ये डबल ऑक्यूपेंसी रूम है। इसके अलावा यहाँ पे साइड में आपको एक टेबल दिख रहा होगा, स्टडी टेबल। दोनों साइड में स्टडी टेबल है और दो चेयर्स भी हैं। सो रूम का टूर मैं आपको भी कराती हूँ। ये वाला सारे आदमी हम रख रही हैं, उनको एक टेबल मिला है, एक मिला है, एक बेड मिला है और बाजू में ही वाला है यहाँ पर। और ये काफी क्यूट सा सोफा भी है यहाँ पर। यहाँ पे वार्डरोब भी दिख रहा होगा, दो वार्डरोब है यहाँ पे। पार्टनर कैसा फील हो रहा है आपको रूम में आके? हम लोग काफी थक गए हैं। इट द रूम इज रियली नाइस, इट्स लाइक अ 5-स्टार होटल। और हम लोग काफी थक गए हैं बिकॉज हम लोग एसी बस में ट्रैवल करके आए हैं। बट आई होप कि ये जो 4 दिन अगले हमारे हैं वो अच्छे से बीते यहाँ पर। और हमें अब जल्दी से फटाफट रेडी होना है और रेडी होने के बाद हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। और कैसे भूख लग रही है? बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, फिर उसके बाद रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। ओके, तब तक के सी यू। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में है आज इडली सांभर, नारियल की चटनी, ब्रेड एंड बटर। भैया भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और जयदेव भैया भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए अपना प्लेट लेकर के ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने भी अपना प्लेट रेडी कर लिया है और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट एरिया में बैठे हुए हैं अभी सभी और आप सामने भी देख सकते हैं मेरे सारे साथीगण ब्रेकफास्ट अपना अपना कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सभी रेडी हो गए और हमारे क्लास जाने का समय हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्लासेस कहाँ पर होगा और हमारे क्लासरूम्स कैसे हैं। मैं आप लोगों को ले चलती हूँ इस जर्नी में, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको हमारे इस ट्रेनिंग पीरियड की जर्नी का अपडेट मिलता रहे। तोड़ेंगे, खाएंगे, हमारे हॉस्टल के पीछे ही हमारे एकेडमी जाने का रास्ता था, शॉर्टकट कह सकते हैं। तो हम सभी अभी एकेडमी के हॉस्टल से एकेडमी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके जस्ट पीछे ही हमारे क्लासरूम्स भी हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो एकेडमी है जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होने वाली, जो हमारे क्लासरूम्स हैं वो कैसे हैं। चलिए फॉलो करते हैं इन सभी को और वन बाय वन मैं आप लोगों को अपने कलीग से भी मिलाती हूँ जो हमारे साथ इस ट्रेनिंग के पार्ट हैं। और वो सभी अभी आ रहे हैं हमारे पीछे और अब हम सभी क्लासरूम की तरफ आगे जा रहे हैं। Oh.
सभी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर अभी एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे हमारा आज वेलकम वेलकम एड्रेस है और इंट्रोडक्शन सेशन है। इसके बाद हमारी क्लासेस होने वाली है। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल कैसा है, झारखंड ट्रेनिंग एकेडमी का। और इस झारखंड ट्रेनिंग एकेडमी के टूर के बाद मैं आपको सभी से दिखाऊँ सब सभी से मिलाऊँगी कि कैसे यहाँ पे कौन कौन फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे कौन हमारे पास अभी वेलकम एड्रेस के लिए आने वाले हैं, कौन अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ओरिएंटेशन हॉल में हमें स्कीपा के द्वारा ये फोल्डर दिया गया था, जिसमें आप सभी को मैं दिखाऊंगी अभी कि इसमें एक फोल्डर के अंदर नोटपैड भी है और एक पेन है हमारे लिए। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डे का शेड्यूल पूरा रखा हुआ था। हमारे 4-5 डेज जो ट्रेनिंग चलने वाली है, इसका शेड्यूल आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये शेड्यूल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिस शेड्यूल को हमें फॉलो करना था अगले 4-5 डेज के लिए। और इसके अंदर एक पेन भी मिला, नोटपैड भी था इसके अंदर, जिसके थ्रू हम यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर कर सकते थे। हमारी जो भी क्लासेस होने वाली थी, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एकेडमी के द्वारा दिया गया है फोल्डर। बहुत ही अच्छा लगा हमें ये चीज़ रिसीव करके यहाँ पे, वेलकम फोल्डर। अब देखते हैं आगे। श्रीमती सुमन पाठक, श्री विकास तिर्की, डिप्टी डायरेक्टर स्कीपा, टुडे विद अस श्री आनंद लकड़ा, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। वी वेलकम हिम ऑल्सो। वेलकम टू मिश्रा, एपीपी डिपार्टमेंट ऑफ होम, जेल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड ऑफिसर्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स ऑफ छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल हियर। यस मैम, वी आर। This program of exchange of knowledge and experience will undoubtedly strengthen the bonds of the two states. The two states are very much, the two states share common boundaries and has many similarities also. Both the two states, all of you know that they were created in the year of 2000, and the length of both the states are same. Besides this, we have common boundaries also. The area Latihar district of Jharkhand is the common boundary between Jharkhand and Chhattisgarh. So we share common boundaries also. Both the states are, both are plateau and forest, Jharkhand as well as Chhattisgarh. Majority of this is plateau and forest. In Chhattisgarh there are plains also, but Jharkhand there is no plain, we are only plateaus. We are situated on Chota Nagpur Plateau. There are other similarities also. Both are dominant states. Both states are tribal dominant. And if you compare both the states, then the population, tribal population of Jharkhand state is larger than the population of Chhattisgarh. And if we compare the population also of both the states, so it is almost similar. Jharkhand is slightly larger in population, about 39 million is the population of Jharkhand, and about 31 million is the population of Chhattisgarh, about actual census to hua nahi hai. So this is about similarities. Language of both the state is Hindi and English. Yes, ma'am. So that is also the similarity. Then, if you consider the economy,
The Jharkhand economy is predominantly driven by mineral sources such as coal, iron ore, bauxite and copper. And Chhattisgarh also has a significant mineral wealth of coal, iron ore, limestone and bauxite. So that here also there is similarity. Both the states are rich in natural beauty. A lot of waterfalls are there in both the states. And there is rich tribal and art. They are rich in natural beauty as well as tribal art and culture also. In Jharkhand, there are some important tourist places which I would like to mention. There is Betla National Forest and Tiger Reserve in Palamo district. There is Hazaribagh Wildlife Sanctuary in Hazaribagh. There is the holiest pilgrimage site of Jains, which is called Sikharji, and it is in Parasnath Hills in the Giridi district of Jharkhand, which is the holiest place for Jains. So this is also in Jharkhand. Beside this, all of us know that there is Baba Badnath temple in Devghar, which is also situated in Jharkhand. So these are some important tourist places which attracts thousands of tourists every year. If we compare politically Chhattisgarh and Jharkhand, then Chhattisgarh has been more stable as compared to Jharkhand. There has been frequent changes in political powers in Jharkhand, but related to Chhattisgarh was comparatively stable government, had comparatively stable government, and that stable government provides a lot of opportunity for better development and other things. So this is the brief overview of similarities between the two states. We recognize the significance of your role in upholding justice and ensuring the rule of law. As a legal professional, you play a crucial part in maintaining public trust and protecting rights of individual. Your visit to judicial and legal institutions of Jharkhand will further refine your understanding of legal procedure, case management and effective courtroom advocacy. In collaboration with the government of department of lens karke hum aaye hue काफी fresh face dikhe hai. I hope you are settled comfortably in the rooms. We are. You are privileged to be the first occupant of those newly renovated rooms. Thank you, sir. Yeah, I would like to thank the Governor of Chhattisgarh. He for sending you all here to Jharkhand. I hope it will be a good experience for you. And as you go through the various programs that are lined up before you, and I hope you have a good learning experience, particularly when in interacting, and I hope you will try and find out what Jharkhand is all about in the area of your focus and how similar it is and how different it is from your state. उसी से I think अब जो सामने जो बहुत सा कार्ज होगा यहाँ पे तो pendencies काफी हैं, cases का pendencies. हाल में झारखंड सरकार ने भी APP का डिस्ट्रीब्यूट किया थे. तो झारखंड को हम समझते हैं कि आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ होंगे और आप भी आई क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज झारखंड ऑल अबाउट. यस, शेयर अ सिमिलैरिटी. हम लोगों ने दो नया स्टेज है, नया इन द सेंस 20 साल 22 साल हो गया है. Then we also share a similarity with tribal dominated. हमारा 26% है आपका, उससे थोड़ा सा अधिक होगा, 30% से समथिंग सिविल ट्राइब का पॉपुलेशन होगा. एंड देयरफॉर जैसे आपका जो हम कहते हैं कि जितने भी केसेस हैं आप यहाँ पे भी, ये मेरा अनुरोध है कि लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहिए आप लोग पूछते रहिए. देयर इज द रीजन व्हाई यू केम हियर फॉर, नॉट टू जस्ट लिसन
जो लोग आते हैं आपके क्लासेस को लेने के लिए या आपसे मिलेंगे या उनसे मिलेंगे, ये जरूर पूछते रहिए। आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछने के लिए, खूब पूछ के, सो दैट वे योर विजिट हियर विल बिकम वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। एंड बाद में आई डोंट नो ये प्रोसिक्यूशन में कौन कौन लोग आएंगे, सो जरूर पूछिएगा। उसी से कीप एन ओपन माइंड एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट डाउन द लाइन आपको एपीपी का काम और आगे जो भी पद में जो काम करेंगे आप हमेशा याद कर लेंगे झारखंड विजिट किए गए थे और इस प्रकार का बातचीत होने पर इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुई है। और ये छोटा इंट्रोडक्शन है आपका कार्यक्रम के मुताबिक 2:30 में क्लास लेने के लिए भी है, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। इफ यू हैव एनी इश्यूज, ऑफिसर्स ऑफ स्कीपा हियर, मिसेस मीना इज हियर टू टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, एंड कोई कठिनाई होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट। सो दिस इज अ न्यू स्कीपा हॉस्टल दैट यू कमिंग इन टू, हो सकता है दिस इज द टू हॉस्टल्स दैट इज गेटिंग रेडी, हो सकता है छोटा छोटा प्रॉब्लम्स हो, मिस कभी पूरा नहीं हो पा रहे हैं, होप यू विल टेक दैट इन गुड स्ट्राइड, एंड कोई भी इश्यूज है काइंडली डू नॉट हेजिटेट। Sure. So I welcome you and I wish you the best, and I'm quite sure that the home department and the prosecution wing of the home department will take care of you here. Okay? Thank you, Thank sir. You. Thank you, sir. मंच पर आसीन डायरेक्टर जनरल स्कीपा श्री एल के आमते सर, एडिशनल डायरेक्टर अनिल कुमार सर, जॉइंट डायरेक्टर मीना मैम, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन विकास तिर्की सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अमृता आरशी, एंड यहाँ उपस्थित जितने भी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, द नोडल ऑफिसर फ्रॉम छत्तीसगढ़, द नोडल ऑफिसर फ्रॉम झारखंड स्टेट, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ स्कीपा। और जैसा कि सर ने बताया हॉस्टल के बारे में और झारखंड के बारे में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वी फील एट होम इन झारखंड और छत्तीसगढ़, बोथ प्लेसेस बोथ आर सिमिलर। लास्ट डिसम्बर आई हैव विजिटेड छत्तीसगढ़, माई ब्रदर इन लॉ वर्क इन रायपुर दूरदर्शन, ही इज अ प्रोग्राम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इट्स अ नाइस प्लेस। वहाँ गई तो बाकी जिलों में तो लगता है कि झारखंड में ही है, लेकिन जब रायपुर जाते हैं तो लगता है कि किसी और दुनिया में आए हैं, और नया रायपुर सचमुच में बहुत सुंदर है। मैं वहाँ गई तो मैंने हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी भी देखी, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरा नेफ्यू जो है वहीं से LLB और LLM कर रहा है, तो इट्स अ कोइंसिडेंस कि मैं वहाँ गई थी, फिर आप लोग यहाँ पर आए तो आज आप लोगों से मुलाकात हुई। और चूंकि जैसा सोहन जी ने बताया कि ये आपके फाउंडेशन कोर्स का एक हिस्सा है, तो लेट मी अश्योर यू कि ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स का ये 1 वीक का जो हिस्सा है, ये सचमुच में आपके लर्निंग के फाउंडेशन में बहुत माइलस्टोन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी, आप लर्निंग एक्सचेंज करेंगे, आपको यहाँ की कुछ अच्छी बातें पता चलेंगी, कि हो सकता है आप भी हमें कुछ बताएं कि यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, आपके द्वारा हमें भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो इस कार्यक्रम में आप लोग सब आए, और डीजी सर ने अपने व्यस्तम समय से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए समय निकाला, मैं डीजी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे सर हमेशा ही किसी भी ट्रेनिंग में वो ये नहीं देखते हैं कौन सी ट्रेनिंग है, सर हर पार्टिसिपेंट्स को इक्वली ट्रीट करते हुए अपने वैल्यूबल थॉट्स देते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं कि हमें कैसे ट्रेनिंग अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस का हो पाए, हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरह से यूज कर पाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्टिन्यूस गाइडेंस के लिए और आपके वैल्यूबल समय के लिए। डायरेक्टर सर अनिल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, हम लोग को लिबर्टी देते हैं कि तुम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करो किसी भी प्रोग्राम को, तो वो भी एक बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो बैकडोर से सर हमेशा हम लोग को हेल्प करते हैं, सर को धन्यवाद। मीना मैडम हमेशा लीड लेती हैं हर काम में, तो उनके लीडरशिप में हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ATI की एक ये टीम है जो आपके साथ में मंच में सामने में बैठी हुई है,
किसी भी प्रोग्राम को हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से एक टीम के रूप में काम करके उसको कंप्लीट करने का। आप लोग कई आशाओं के साथ में, कई सपनों के साथ में झारखंड आए होंगे, तो मुझे आशा है कि ये एक सप्ताह की जो लर्निंग है आप लोगों के लिए लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। और छत्तीसगढ़ प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने झारखंड को चुना इस ट्रेनिंग के लिए, ताकि हम भी अपने आप अपने बारे में कुछ बता पाए और आप झारखंड के बारे में भी कुछ अच्छी यादें लेके जा पाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट सर्विस में जो लोग सेलेक्ट होते हैं तो उनका 15 डेज का विलेज अटैचमेंट ट्रेनिंग होता है। तो 2016-17 में दिल्ली सेक्रेटेरिएट के दो बैचेस आए थे, वो हमारी एक दूसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सर्ट की, वहां पर आए थे। तो वो अलग अलग स्टेट से थे लोग, उन लोगों ने बताया कि मैडम जब हम लोग को ग्रुप बताया गया कि इस ग्रुप को झारखंड भेजा जा रहा है तो लिटरली कुछ लोग रोने लगे थे कि हे भगवान हम लोग को झारखंड स्टेट मिल गया। लेकिन उस 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो यहाँ पर रो रहे थे कि हम लोग को इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली और हम लोग को झारखंड के बारे में जो बताया जाता था झारखंड वैसा नहीं है, झारखंड बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो अच्छी मेमोरी लेके गए और आज तक वो लोग कॉन्टेक्ट में हैं और हमेशा याद करते रहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी इस अच्छी यादों के साथ में और एक अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ में झारखंड से जाएंगे। आप लोग इस टूर को लर्निंग के साथ साथ एक पिकनिक के रूप में इंजॉय कीजिए, जो बाकी समय होगा उसमें भी कोशिश करेंगे के मिश्रा जी और सोहन जी कि आप लोगों को अच्छे से घुमा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, आप सबों को धन्यवाद। Now we can have a group photograph so that we can share it online. So, yes. आइए इस तरह arrange कर लेते हैं, आ जाइए आप लोग इधर। Yes, Nilmani, you can come again and sister here and spend some time for the introductory session. So, I have just introduced during my welcome speech. I have just informed him. Inform them that what are the similarities between the two states, and they have came here. They have traveled 500 kilometers overnight, which took about 12 hours, and now they are comfortable in our newly renovated Shuan Rekha hostel. They are staying there. So I told them there is renovation work is going on. So in the hostel, Shuan Rekha itself, and just now there he is Mr. Sohan Sahu. And he is the nodal officer from Chhattisgarh, and he is Mr. K.K. Mishra. He is the APP of Home Department, the Government of Jharkhand. He is the nodal officer on behalf of Department of Home. And both of them will be accompanying them for the 5 days. Wherever they go, both of them will go on. So, first of all, he is the team leader, Mr. Nilmani. I will ask him to start, come here and address, give your speech, and later on we will have introduction of all the participants. इस कीपा के वरिष्ठ अधिकारी, मंच पर श्रद्धेय उपस्थित समस्त अधिकारी, छत्तीसगढ़ से आए समस्त अधिकारी, समस्त सीनियर, और झारखंड की पावन धरती को फिर से मैं नमन करता हूं। आप सभी अवगत हैं झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, झार और खंड। झार मतलब जंगल, खंड मतलब भूमि, मतलब वनों की भूमि, एक ऐसी भूमि जहां पर्वत, पठार, मैदान सभी मिलेंगे, वनों से आच्छादित वनांचल, और यहां की भौगोलिक दशाएं भी काफी प्रभावित करती है। काफी इस राज्य के बारे में सुना गया था, जाना गया था, आज इनकी बारीकियों के बारे में धीरे धीरे हम सभी अभियोजन अधिकारी सीखेंगे। माइसेल्फ नीलमणि कंडरा, मैं वर्तमान में अभी लोक अभियोजन कार्यालय सूरजपुर पर पदस्थ हूँ, और इसी तरह हमारे साथीगण एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। Thank you, now I will request all the participants to start your introduction one by one so that we all know about you. So please tell me your name, your qualification, and if you have any prior experience of any service, then you can say. Start from that side, Nilmani, you start your name. देश में एक स्थान प्राप्त करता है, एक स्थान रखता है, और गुरु भी ये बात करते हैं अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं लोगों को, ताकि एक अनुभव प्राप्त करें और अपने
स्टेट में इम्प्लीमेंट करें। हम लोगों ने कुछ केसेस का जो हीनस ऑफेंस के अपराध के होते हैं उनको हम लोग एक ड्राइव स्केल पर एक इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। उसमें थे बहुत सारे मैटर जैसे मर्डर केसेस। वेलकम स्पीच और इंट्रोडक्शन सेशन के बाद हमारी क्लासेस हुई। ये मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ जहाँ से हम जो हमारे क्लासेस की वीडियो है और यहाँ पर बैठ के हमने सेशंस अटेंड किए थे। मैडम कब भी जाऊँगी वीडियो है वीडियो काफ़ी अच्छे लेक्चर होने के बाद हम लोगों ने लंच किया और ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पर हम सभी बैठे हुए हैं जहाँ पे हम सभी ने लंच किया। तो चलिए देखते हैं आज हमारे लंच में क्या है। पकड़ना काफी लगा ये कुछ फोटोज हैं जो हमने डाइनिंग एरिया में आज क्लिक कराए थे डाइनिंग करने से पहले। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ। आप सभी देख सकते हैं कि हमारे कलीग्स यहाँ पर बैठे हुए हैं लंच करने के पहले। ये मैं और मेरी पार्टनर हैं जो इस ट्रेनिंग में आए हुए हैं और इस ग्रुप में केवल हम दो लड़कियां हैं और एक दूसरे को हम पार्टनर कहते हैं। ये आरती मैम है। इसके बाद शाम को हम लोग बाहर निकले थे घूमने के लिए और घूमने के लिए हम लोग बेसिकली अल्बर्टेका चौक की तरफ गए थे और वहाँ पर हमने फास्ट फूड भी खाया। आप सभी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक प्लेट मोमोज़ ऑर्डर किया था और आरती मैम अभी मोमोज़ ट्राई करने वाली हैं। शाम का समय भी काफ़ी अच्छा था हमारे लिए क्योंकि हमने स्ट्रीट फूड एंजॉय किया था शाम को। और इस तरह से हमारा दिन आज ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यहाँ पे अल्बर्टेका चौक पे जहाँ पे फिराया लाल करके एक प्लेस है उसके सामने स्ट्रीट फूड का बहुत अच्छा स्टॉल लगा होता है। तो वहाँ पर हम गए, स्ट्रीट फूड एंजॉय किया, उसके बाद हम सभी वापस अपने हॉस्टल आ गए 8:30 बजे तक। आई होप आपने पार्ट 2 एंजॉय किया होगा। मोर अपडेट्स के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।